नमस्कार, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछला टॉपिक हमारा था लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति व विस्तार, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है किन देशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे और किसके साथ कितनी सीमा लगती है, उसके बारे में हम पूरी स्टडी है वो मैप बेस्ड करेंगे, मैप में समझेंगे और उसी के आधारित हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो लगातार आप अपने पास नोटबुक रखिए और उसमें नोट करते हुए चलिए। हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसमें हम बात करें, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर आती है। कई बुक्स में यह 15,106.7 यह कंपिटिटिव एग्जाम के लिए है और यह जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके लिए यह मान के चलो, क्योंकि यहां पर जो अभी हाल ही में एक नई गणना के आधार पर इसके बारे में ये बताया जाता है और इसका वर्गीकरण नया आ गया है। नहीं, पहले जो वर्गीकरण था वो वर्गीकरण अलग था। दोस्तों, हमारे को ध्यान रखना है कि कितने देशों के साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो हम 7 देशों के साथ में बनाते हैं। उन देशों की यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा पड़ोसी हमारा है पाकिस्तान, उसके बाद में आ जाता है अफगानिस्तान के बाद में आ जाता है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7 देश हैं वो स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। और भारत के कितने राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं, तो 16 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां पर गौर करना, ज्यादातर किताबों में 17 राज्य आते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धारा 370 व 35A हटने के बाद में जम्मू कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आने लग गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने लग गया है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से ये यूनियन टेरिटरी जानी जाती है। तो आपको यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह पूछी जा सकती है कि कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, तो उसमें आपका उत्तर होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और कितने राज्य हैं, तो 16 राज्य हैं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि किस की कितनी सीमा लगती है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सर्वाधिक पूछा जाता है ज्यादातर, तो सर्वाधिक है वो लगती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक्जेक्ट यदि पूछा जाए तो 4,096.7 किलोमीटर आती है। और ये जो डाटा है, ये पूरे डाटा के जो आता है वो आता है 15,106.7 किलोमीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप डाउट में हो कि सर आप कौन सी याद करें, तो देखो ये अभी लेटेस्ट है, ये याद करनी है। इसके अलावा आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है कि सर यदि आप यहां पर ये कह रहे हो दोनों आ जाए, तो दोनों किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती और कोई भी एक डाटा होती है वो पूछी जा सकती है। तो यदि आप ये पूछा जाए कि नेपाल की सीमा कितनी लगती है, तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, बांग्लादेश 4,096, चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 और नेपाल के साथ में 1751 और म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, ये यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे कम।
अब यहां पर कई बार आजकल एग्जाम में क्या होता है, आरोही या अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अवरोही होगा तो ज्यादा से कम होगा और आरोही होगा तो कम से क्या होगा ज्यादा होगा, यानी बढ़ोतरी करते हुए चलेंगे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पांच, छह और भूटान यहां बीच में, ये गौर करना है भाई। भूटान, ये जो अफगानिस्तान है ये सातवें नंबर पर है, तो ये सातवें नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा है। अब किसके साथ किस राज्य की कितनी सीमा लगती है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले अभी हमने बात की थी उस चीज को, हमारे को गौर करना है क्या कि कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो देखो इसको गौर करोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, और ये वेस्ट बंगाल है, यहां पर ध्यान रखना है दस, सिक्किम ग्यारह, और यहां से हम आगे चलेंगे तो ये बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह और अठारह। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से ये दो यूनियन टेरिटरी है, चार और पांच, कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इनको निकालेंगे तो 18 माइनस दो यानी 16 तो जाएंगे राज्य, प्लस दो जाएंगे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की सीमा मैंने कितनी बताई थी अभी, तो पाकिस्तान के साथ है 33-23, पहले आती थी ये 33-10 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। ये 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, रेडक्लिफ कहा जाता है। ये रेडक्लिफ किसके साथ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। कितने राज्य हैं तो यहां ध्यान रखना, एक गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा पंजाब, तो तीन तो राज्य हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो दो केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज्यादा जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर राजस्थान की लगती है पाकिस्तान के साथ, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इस हरियाणा को लेकर। तो हरियाणा भाई साहब क्या है, ये पाकिस्तान के टच में नहीं है, यदि हरियाणा टच में होता तो पाकिस्तान नहीं होता शायद, क्योंकि यहाँ खेती किसान आदमी है और वो शायद ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करते, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पंजाब है और राजस्थान उसका बॉर्डर लगता है, न कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ किसका बॉर्डर लगता है, हरियाणा का नहीं लगता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया, कितने किलोमीटर है, 33-23 किलोमीटर यानी 3,323 किलोमीटर है, कितने राज्य हैं, तो तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश है। अब आती है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान का जो शासक था अब्दुल रहमान खान, और ब्रिटिश जो सरकार थी जो भारत में रूल करती थी यानी शासन करती थी, वो सरकार 1896 में जो ये बॉर्डर लाइन है इसको निर्धारित करती है, और ये निर्धारित करने के बाद में क्या कहलाती है इसको, इसको कहा जाता है डूरंड लाइन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है यानी सबसे कम है, और किन के साथ है, तो यहां पर सिर्फ लद्दाख के साथ है। पहले आता था जम्मू कश्मीर, वर्तमान में क्या आता है, लद्दाख आता है, तो ये आप लोगों को गौर करना है भाई, ठीक है ना। तो डूरंड लाइन किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ है, लगती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ जो रेखा लगती है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 में हुआ, कहां हुआ, शिमला में हुआ भाई, ठीक है ना। और अब ये यहां पर भी ध्यान देना है कि कौन कौन से राज्य की लगती है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एक, दो, इसके बाद में आ जाता है आपका उत्तराखंड तीन, बाद में आ जाता है सिक्किम चार, और अरुणाचल प्रदेश पांच। तो
यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखनी है कि यहां चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन अब चेंज हो चुके हैं, ऐसे ध्यान रखना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी ध्यान रखना, वेस्ट इश्यू वगैरह की इनकी जो तैयारी करते हैं रीट वाले हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आपका रटा रटा है क्वेश्चन है, पांच पांच नहीं है चार हो गए, पांचवा केंद्र शासित प्रदेश है, चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ये जो सीमा है ये कितनी लगती है, तो ये सीमा लगती है आपकी 3488 किलोमीटर। दूसरा यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि चीन की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, नहीं भाई चीन की नहीं लगती है, सबसे ज्यादा लगती है इनकी साहब की, और ये क्या है, ये है बांग्लादेश। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका निर्धारण किसने किया था, मैकमोहन ने किया था, इसी के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। तीन रेखाओं के नाम बताए, रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ, टूरंड है वो किसके साथ है भाई, टूरंड है वो अफगानिस्तान के साथ, और मैकमोहन है वो किसके साथ है भाई, मैकमोहन है वो चाइना के साथ में, नेपाल। अब देखो यहां पर आपके सामने नेपाल का एक डायग्राम दिया है मैंने, नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर। और यहां देखो एक तो ये उत्तरांचल या उत्तराखंड, कई बार क्वेश्चन आता है सर आपने तो ये कहा था कि यहां पर उत्तराखंड है, यहां पर उत्तरांचल आ गया, यूपी, बिहार। और ये देखो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यहां मैं बता रहा हूं, क्या वेस्ट बंगाल की सीमा भी नेपाल के साथ और भूटान दोनों के साथ लगती है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो जाता है कि नेपाल की सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो उत्तराखंड एक, और उसके बाद में आ जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल चार, और उसके बाद में आ जाता है आपका पांच, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्राकृतिक सीमांकन है, यहां कोई नाम नहीं आएगा पहाड़ों के कारण। आगे चलते हैं भूटान, ये देखो दोस्तों एक छोटा सा देश है भूटान, और भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, चार राज्यों की सीमा लगती है। और ये कितनी लगती है भाई, 699 किलोमीटर लगती है। ये ध्यान रखना है भाई, कोई भी चीज है इन स्लाइडों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे तरीके से इनको तैयार कीजिए भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो ध्यान रखना ये आपका म्यांमार है इधर, ठीक है ना, क्या है म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ बनाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो कितने राज्य बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुल कितने राज्य हो गए, चार राज्य हो गए। सीमा कितनी लगती है म्यांमार के साथ है? बोलो भाई, तो ये लगती है 1643 किलोमीटर, बता क्या है आपको। और ये भी क्या है, प्राकृतिक सीमांकन है, किसके सारे, पहाड़ों के सारे, पहाड़ का क्या नाम है, अराकानियोमा, यहां जो पहाड़ है ना उसको कहते हैं अराकानियोमा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ, तो देखो दोस्तों बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य आते हैं, वेस्ट बंगाल एक, उसके बाद में आ जाता है असम दो, नंबर तीन आता है मेघालय, नंबर चार त्रिपुरा और मिजोरम पांच। तो ये पांच राज्य सीमा बनाते हैं, कितनी बनाते हैं, 4096.7 किलोमीटर, सर्वाधिक सीमांकन है। दोस्तों यहां पर एक चीज अभी गौर कर लीजिए, यहां पर ये जो त्रिपुरा है इसके तीन और बांग्लादेश की सीमा लग रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको कहते हैं जीरो लाइन, क्या कहेंगे, जीरो लाइन। और यहां पर एक राज्य है ये देखो मेघालय, मेघालय के असम की चारों तरफ सीमा लग रही है, देखो इधर बांग्लादेश आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय सीमांकन, और यहां क्या आ गया, यहां आ गया मेघालय। तो मेघालय के तीन और एक ही देश राज्य की सीमा लगती है, वो लगती है असम की, इसको आजकल असम बोलते हैं, इसकी राजधानी कहां भाई, दिसपुर है, ठीक है ना।
अब देखो आपको एक क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जा सकता है, एक चीज मैं यहां पर पहले बता देता हूं, क्या सिक्किम, सिक्किम के साथ एक जो सीमा लग रही है यहां पर, ये वेस्ट बंगाल की लगती है, ठीक है ना। अब एक और आता है आपके सेवन सिस्टर्स, सात बहने, तो देखो इसमें ये सिक्किम शामिल नहीं है। इसके बाद में कौन आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश एक, दो असम, तीन मेघालय, चार त्रिपुरा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। पांच आ जाता है मिजोरम, छह आ जाता है मणिपुर, और सात आ जाता है नागालैंड। तो सेवन सिस्टर में ज्यादातर आता है कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो सिक्किम शामिल नहीं है या वेस्ट बंगाल शामिल नहीं है, बाकी के सातों क्या है इसमें शामिल हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य, तो वो है यूपी। देखो भाई यूपी एक दो, यानी उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी कुल कितने राज्यों से, आठ राज्यों से सीमा बनाता है भाई। ये आप लोगों को सबसे ज्यादा जानकारी रखनी है, कितने राज्यों से, आठ राज्यों से, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब यहां पर एक मैं पीछे की स्लाइड में लेके चलूंगा आपको, इस स्लाइड में हम बात करेंगे किसकी, इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो देखो भाई तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, एक तो हो गया लद्दाख, किस किस के साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ बना रहा है, अफगानिस्तान के साथ बना रहा है और चाइना के साथ बना रहा है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। एक आ जाता है सिक्किम, सिक्किम एक तो भूटान के साथ बना रहा है और एक किसके साथ, नेपाल के साथ और एक चीन के साथ बना रहा है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक आता है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल किसके साथ, तो वेस्ट बंगाल एक तो नेपाल के साथ और एक बनाता है भूटान के साथ और एक है बांग्लादेश के साथ। तो तीन राज्य कौन कौन से, एक तो आ जाएगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उसके बाद में आ जाता है आपका सिक्किम, इसके बाद में आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा मिजोरम है, वो दो राज्यों, दो देशों के साथ सीमा बनाता है, एक म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो ये आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं कभी भी। ज्यादातर इनमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आता है भारत के तीन बड़े राज्य, देखो भाई एक तो है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। इसके बाद में आता है तटीय सीमा, ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, इसको हमारे को समझना है। तटीय सीमा कितने राज्यों की बनती है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है, एक गुजरात, दो महाराष्ट्र, तीन कर्नाटक और चार यहां पर देखो एक दिखाई दे रहा है ये गोवा, पांच है केरल, छह है तमिलनाडु, सात है आंध्र प्रदेश। देखो यहां पर तेलंगाना की बात बता देता हूं, तेलंगाना ऐसे तो तेलंगाना का जो है तटीय सीमांकन नहीं होता है, ये स्थलीय भाग है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है आपका आठ उड़ीसा और नौ आ जाता है वेस्ट बंगाल, तो कुल कितने राज्य है, नौ राज्य। अब यहां ध्यान रखना, पांच तो है पश्चिमी तट पर और चार है पूर्वी तट पर। अब ये पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर लगती है, तो देखो मुख्य जो भूमि है, यानी ये जो आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है और ये आउटलाइन दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग ये 6100 किलोमीटर की लंबाई लगाता है, जबकि कुल लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। ये किन के साथ है भाई, तो दोस्तों ये यहां पर है द्वीपों सहित, द्वीप है ना, जो आपका एक तो लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार,
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक है गुजरात की, और नंबर दो पर आता है आंध्र प्रदेश सर्वाधिक में, और सबसे कम की यदि बात आए तो वो है गोवा की, और नंबर दो पर कम कौन सा है, तो नंबर दो पर है वो है वेस्ट बंगाल। यहां पर गौर करना आपको, देखो मैं यहां बता रहा हूं आपको कि आपको पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर सबसे कम किसकी है, तो पश्चिमी तट पर सबसे कम है गोवा की, सबसे ज्यादा किसकी है गुजरात की, और यदि आपको यह पूछा जाए कि पूर्वी तट पर है तो पूर्वी तट पर सबसे कम तो है वेस्ट बंगाल की, और सबसे ज्यादा कौन सी है आंध्र प्रदेश की। ये तो है तट के हिसाब से यदि पूछा जाए, और यदि आपको यहां पर यह पूछा जाए कि संपूर्ण में तो सबसे ज्यादा गुजरात की और सबसे कम किसकी है गोवा की। ये देखो दोस्तों, यहां पर मैंने एक बार फिर बताने का कोई प्रयास किया है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में फिर लेते हैं, इनकी चर्चा हमने कर ली। जलीय सीमांकन, ये आपके सामने मैप है और जलीय सीमांकन की हम बात करते हैं, तो पहले तो मैं यहां पर एक जो जल क्षेत्र है उसकी बात कर देता हूं। किसकी बात करता हूं, जल क्षेत्र। ये क्या होता है भाई, हम ये सोचते हैं कि साहब हमारे देश के साथ जो समुद्र लगा हुआ है उसमें हमारा कहां तक अधिकार होता है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, पहले तो ये जो तट कटा फटा होता है ना उसको एक ऐसे समतल किया जाता है, इसको कहते हैं आधार लाइन, आधार रेखा। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, ये देखो भाई 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील क्या होती है भाई, समुद्री मील बोलते हैं। हमारी जो मील होती है जो स्थलीय मील वो 1600 मीटर की होती है, और ये लगभग 1800 मीटर की होती है, 1.8 किलोमीटर की होती है। तो ये जो क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील का, इसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रादेशिक सीमा। ये प्रादेशिक सीमा क्या होता है, यहां पर जैसा स्थल पर व्यवहार करता है वैसे ही ये देश इस पर व्यवहार करेगा, यानी संपूर्ण संसाधनों का वितरण करेगा, कोई भी यहां आ नहीं सकता इस देश की परमिशन के बगैर, यानी संपूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद में आता है संलग्न क्षेत्र, तो देखो ये जो संलग्न क्षेत्र है ये कितना होता है भाई, ये संलग्न जो क्षेत्र होता है ये होता है 24 नोटिकल मील, यानी समुद्र मील का, कहां से, इस बेस लाइन से, ऐसे मत मानना कि यहां से होगा तब तो 36 हो गया ये। तो ये प्रादेशिक सीमा से 24 नॉटिकल मील के मध्य जो क्षेत्र है ये क्या होता है कि यहां पर सीमा शुल्क ले सकता है ये, और इसको कहते क्या, संलग्न क्षेत्र, इसका सीमा शुल्क ले सकता है यहां पे कोई आएगा तब, और इसके अलावा क्या है, पर्यावरणीय स्वच्छता, इसकी साफ सफाई कर सकता है, राजकोषीय अधिकार, राजकोषीय अधिकार का मतलब है यहां से जो भी पैसा आएगा वो ये देश लेगा। इसके बाद में आता है 200 नॉटिकल मील, इसको कहते हैं अनन्य, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, ये यहां तक क्या होगा कि यहां पर सागरीय जल शक्ति, सागरीय जो संसाधन है जीवों का संरक्षण कर सकता है, ठीक है ना, अनुसंधान कर सकता है, यानी ये रिसर्च के लिए तैयार रहता है, तो ये होता है जल क्षेत्र। अब हम बात करते हैं जलीय सीमांकन की, तो देखो यहां पर एक बार गौर करना है हमारे को, जलीय सीमांकन क्या है, देखो हमने बात की अभी तक किसकी, कि भाई हमारे देश के साथ में कौन कौन से स्थलीय देश जुड़े हुए हैं, परंतु हमारे को यहां पर एक चीज गौर करनी है कि जो जलीय सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से, तो देखो ये यहां पर ध्यान रखना, राम सेतु तटबंध है, और ये आपका देश है एक श्रीलंका, सबसे नजदीकतम जलीय सीमा के आधार पर यह देश है। यहां पर एक ये खाई है, खाई क्या बोलेंगे इसको, जल दमरू मध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
जल डमरू मते। कैसे? इसको बोलते पाक जल डमरू मते या पाक जल संधि भी बोलते। इधर जो है इसको बोलते पाक की खाड़ी, इससे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ये आपको ध्यान रखना। और यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो देश है यहां पर ये राम सेतु तटबंध है भाई, और इसी पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम है रामेश्वरम। ये कई बार पूछा जाता है। अब यहां आपको ध्यान रखना है, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये है नॉर्थ अंडमान, ये है मिड अंडमान और ये है साउथ अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। और यहां एक देश है, ये देश है जिसका नाम है म्यांमार, और यहां जो एक द्वीप है इसका नाम है कोको। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोको। इनके मध्य जो जल संधि यानी जो सीमांकन है उसको बोलते हैं कोको चैनल। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि कोको चैनल किन देशों के मध्य सीमा बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है किन देशों के साथ है? भारत और म्यांमार के मध्य सीमांकन करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहां पर बात करते हैं। देखो यहां आपको एक खाली स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये आपका भारत का जो प्रायद्वीप हिस्सा है, यहां पर है ये लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का यहां एक द्वीप है, द्वीप का नाम है मिनिकोय, और यहां पर एक देश है दोस्तों देश का नाम क्या है? मालदीव। देखो आपको मैंने अभी जो सीमांकन जल क्षेत्र बताया 12, 24 और 200 नॉटिकल मील का, आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग तो ये मालदीव ये भारत का हिस्सा है, तो नहीं होता। ऐसी स्थिति में दो देश बैठकर अपना विवाद का निपटारा करते हैं, और यहां पर जो सीमांकन है भारत और मालदीव का उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, यानी ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आधार पर बनाया गया है। तो ये 8 डिग्री चैनल किन के मध्य है? भारत और मालदीव के मध्य, या मिनिको या मालदीव के मध्य, ठीक है ना? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, यहां पर एक द्वीप समूह बना हुआ है, यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबा, और यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। किस देश का अधिकार है इस पर? इंडोनेशिया का। इनके मध्य जो सीमांकन है उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट चैनल किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और इंडोनेशिया, या ग्रेट निकोबार या सुमात्रा के मध्य अवस्थित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? इसके बाद में आगे ध्यान देना आपको कि ये लगभग प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट किस में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, इसी के अंतर्गत आता है। यहां पर आपको एक और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? यहां पर पूछा जाता है मिनिकोय शेष लक्षद्वीप से किससे अलग होता है? तो शेष लक्षद्वीप से होता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है? अब देखो यहां पर मैंने आपको ये जो द्वीप बनाए, ये ऊपर वाले जो द्वीप है ये द्वीप कहलाते हैं अंडमान, और ये वाले जो द्वीप है ये कहलाते हैं निकोबार। इनके मध्य जो सीमांकन है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या? 10 डिग्री चैनल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना? और दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान है, सॉरी ये है दक्षिणी अंडमान, और ये है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। तो इसके मध्य जो सीमांकन है उसे कहते हैं डंकन पास। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों को समझाने के लिए। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इनको आप रजिस्टर में लिख लीजिए। मैं कहता हूं कि प्रत्येक एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको एक बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।